बसंत पंचमी क्यों है खास? इस दिन खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी होती है और कोयल की कूक से दसों दिशाएं गुंजायमान रहती है। बसंत पंचमी को मां सरस्वती का दिन माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। माघ माह की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं और इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। नाना प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से संवर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी होती है। आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के इस संधिकाल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिलता है। संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके उसे ठीक किया जा सकता है।